वेलकम स्टूडेंट्स आज वोकेशनल रो टेन्थ क्लास रो मो वर्ड प्रोसेसिंग रो यूनिट टू आरंभ करिव जाउछि ए हाउछि प्रथम क्लास आज वर्ड प्रोसेसिंग ऊपर किछि सविशेष विवरण प्रथम देबे तापरे वर्ड प्रोसेसिंग रो जहाँ रहिछि कंटेंट आमर वोकेशनल पिलामन पई ताहा मध्यम एटि सविशेष विवरण देबे आउ आमे मध्य एथेरे थियोरिटिकली आज पढ़ा आउ एक दिन मु एक क्लास यार पर क्लास मु यार प्राक्टिकल रखी प्रथम आमको वर्ड प्रोसेसिंग जानवाक पड़ा वर्ड प्रोसेसिंग हूँ कौन आम एथेरे कौन करवा आमको कौन साहय मिल आमर वर्ड प्रोसेसिंग रे बहुत गुड यूनिट अच्छी जोटा कि आम नवम पढ़ी तो प्रथम मुझे कह वर्ड प्रोसेसिंग आरंभ करने प्रथम आमको विंडोर बटन को क्लिक करा पड़ा स्टार्ट बटन को क्लिक करा पड़ा देन ऑल प्रोग्राम आफ्टर दैट आमर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज कर जहाद्वर कि आम माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर पारिबा समस्ते टिके खाली स्क्रीन को टिके लक्ष्य रखुथ जहाद्वारा कि मुझे ये वर्ड प्रोसेसिंग ऊपर जिनस जोड़ा कौन समस्ते सहजरे बुझीपर वर्ड प्रोसेसिंग प्रथम आम कहीं व्यवहार करें आम तो चाहते खातार लिखि पारि था कि वर्ड प्रोसेसिंग व्यवहार कर माने हूँ कि जदि आम वर्ड प्रोसेसिंग व्यवहार करें जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करवा साधा पेपर रे जमी आमर लेखा अच्छे समस्त स्क्रीन को टे देखु जो लेखा अच्छे आमर जे एठी जो लेखा अच्छे ये लेखाटी जमी देखा यहीटा ताठर बेस्ट देखा सेकेंड वन टा तो ये लेखा आम प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग व्यवहार यहीपाई करवा गोटे साधा पेपर रे जमी आम कि तथ्य लेखिक रखुले तो ये से जिनस व्यवहार करवा जे आम कि तथ्य लेखिक रखा जो तथ्य को आम सुंदर भाव में सुंदर शैली एक फर्माट्रे सजी पारे जोटा कि पढ़ापी सुंदर लगवा सहित आउ व्यवहार करने सहज लगे यह कह चाहिए प्रथम आमको एकक वन पाराग्राफ लेआउट परिवर्तन विषय जानवा एवं तापर पर आम यूनिट टू रे आमर जहाँ रही हेडर आउ फुटर हेडर रही यूनिट थ्री रे फुटर रही एटा तो मु पूर्वर मध्ये कही सारी हेडर आउ फुटर विषय जस्ट खाली मु आलोचना कर रखुची एटा समस्त टिके सुनी रख यापर मु यार नोट्स मध्ये प्रोवाइड करी जोटा कि दशम श्रेणी पिला वोकेशनल पिला मन पे बहुत हेल्पफुल हबो एटी जो रही आमर हेडर रही से हेडर टी आम जब आम देखा हेडर आम कहीं व्यवहार करवा समस्त मुझे क्वेश्चन करी हेडर आम कहीं व्यवहार करवा सब जिनस हेडिंग रही है तो ऊपर पेज्र गोटे पेज्र से जो डॉक्यूमेंट आम प्रस्तुत करवा से डॉक्यूमेंटर गोटे पेज्रे आम जब किसी लेखा रखुं से लेखा को आम जब बारंबार प्रत्येक पेज्रे रखा चाहते देन आम कौन करवा से पेज्र थरुटे हेडर व्यवहार करदे जहाद्वर कि आमको बारंबार लेखा पड़ो ना जोटा कि आम थरुटे लिखले कौन हम प्रत्येक पेज्रे प्रतिफलित हम जहाद्वर कि आम पाईपर ये हूँ हेडर मुझ यार प्राक्टिकाल या पर क्लास रे प्राक्टिकल प्रोवाइड करी जोटा कि सब जहाँ आज पढ़े तार प्राक्टिकल से प्राक्टिकल माध्यम रे मध्यम आमे जानी परिबा कौन रही तो ये मुझे समस्त कह रखुच्छी हेडर फुट रिचालना होमती हेडर रिचालना कैसे मुझे प्राक्टिकल देखी आउ थोरिटिकल कह खाली जस्ट ओवरअल मुझे आज डिस्कस करुचे या पर क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो बहुत गुड़े क्लासेस रखी जो क्लासेस थियोरी प्रैक्टिकल बहुत उभय रहिबो तो आज ये क्लासटा को समस्ते मूल शेष पर्यटन देखिए कंटेंट गुड़ी को खातार लिखि रख जहाद्वर कि परीक्षापे बहुत लाभदायक हम सेमती एटी रहा फुटर परिचालना समस्त देखिपर तो फुटर रही जो फुटर परिचालना रही फुटर कौन रही जमी आम हेडर व्यवहार कले फुटर व्यवहार सेमती गोटे पेज्रे तल पर्सन तल पर्सन जमी कह कि आम पेज काउंटर व्यवहार कर पेज्र नंबर व्यवहार करम कौन बारंबार प्रत्येक पेज्रे गोटे गोटे नंबर रखा पड़ो जदि आम गोटे गोटे नंबर न रखी आम जो फुटर व्यवहार करवा से फुटर में गोटे पैनेल आसो जो पैनेल आम कौन करना ये समस्त देखिपर थो फुटर रही फुटर जो आमर
इनसर्ट इनसर्ट टैब रो हेडर एंड फुटर ग्रुप रे जो रही फुटर एटी ए फुटर रो व्यवहार कले कौन हम ना बहुत गुड़े टेम्पलेट भले आसो जो टेम्पलेट टी कौन कर आमको जोगे दब विभिन्न प्रकार स्टाइलिश फुटर व्यवहार करने जोटा कि आप नंबर रखिपर से किसी लेखा रखिपर जो लेखाटा प्रत्येक पेज प्रतिफलित हम जमी मुझे कह पेज नंबर टी आप बारंबार जितेटी पेज आप स्टूडेंट मैंने जो देखु जी तेल स्टूडेंट मैंने कहे जदि बहुत गुड़े पेज तुम बन या चाहू ताल तुमको बारंबार से पेजर नंबर टी दबा पड़ो ना जहाद्वारा कि सी ऑटोमेटिकली काउंट कर नब ये आम बहुत सुविधा हे जोटा कि सब पेज रे पेज जमी मुझे देखा चाहूँ समस्त को ये जो पेज रही 101 या पर 102 103 तो पर कौन रही नंबरटा इनक्रीज हो जा पेज गुड़ाक आमको बारंबार लिखा पड़ोन ये हूँ हेडर आ फुटर से आमको स्टाइल किपर स्टाइल व्यवहार करा पड़ो स्टाइल मैनेजिंग स्टाइल आमर यूनिट 4 मैनेजिंग स्टाइल मीन्स आमर जो स्टाइल रही स्टाइल मीन्स लेखार जो प्रकार जमी मुझे कह गए आप्लिकेसन आम लिखुं तार शैली अच्छी गोटे बायोडाटा लिखुं तार गोटे शैली अच्छी गोटे फर्माट अच्छे से फर्माटा ही लिखिले आमको से जिनसा सुंदर लगे मुँ भावुँ कि बायोडाटा समस्ते बुझीपार जो निजर रिज्यूम जो कौन से प्राक्टिकाल कला बेल भल भाव देखेदेवी समस्त प्राक्टिकालटा को भल देख जहाद्वे कि यू जिनस भल क्लीयरली जना पड़ो ये समस्ते देखु जे स्टाइल्स लिखाही जो स्टाइल मध्यम स्टाइल रमर ग्रुप मेन्यू जो रही से ग्रुप मेन्यू बहुत गुड़े स्टाइल सीट रही जो स्टाइल सीट गुड़ाक रही ता नॉर्मल अच्छी गोटे स्पेसिंग अच्छी हेडिंग अच्छी आउ ये स्टाइल सेट निजे आम प्रस्तुत कर बाय द यूजिंग ऑफ स्टाइल सेट तो ये जो स्टाइल सेट रहा व्यवहार करवा स्टाइल सेट रे हमें निजे गोटे आम स्टाइल बन या जोटा कि आम आम प्रत्येक पेज रे थरटे व्यवहार करदे प्रत्येक पेज प्रतिफलित हम जोटा कि आमर लेखा से ही रंग आई ढंग से सजेज जोटा कि कलर टू आरंभ कर कैपिटलाइजेशन टू आरंभ कर जहाँ भी किसी रही सब जिन तो मुझे आशा कर समस्ते मैनेजिंग स्टाइल बुझीपे आसला आमर डॉक्यूमेंट टेम्पलेट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कहले कौन बुझ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भावनी गोटे फॉर्मेट दिखाई मैंने से केवल सबू तथ्य अच्छी फोटो सहित तार कलर सहित सबू अच्छे खाली बाकी अच्छे आमको कौन करने ना केवल आम आमर जमी गोटे सर्टिफिकेट या गोटे सर्टिफिकेट कौन आमको बारंबार ना मानने ना गाँ ठिकना लिखा सहित अन्न्य जो जिनस गुड़ाक रही जिनस गुड़ाक आम कौन या पड़ी कि बारंबार थरुटे या नेम जगार केवल नेम थी चेंज होची जहाद्वारा कि समस्त इक्वल सर्टिफिकेट आसूची बट खाली नेम जगार चेंज होची आउ तार आउ जो पर्सनल डिटेल्स अच्छे से जगार चेंज होची तो मुझे आशा कर समस्त डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर जानपर थोड़ा ये जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट रही ये ऑलरेडी तैयारी होकर अच्छे आम चाहिए यापर बट ये तैयारी आमर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे रही जहाद्वारा कि आम व्यवहार करके आम ये व्यवहार करके कौन करवहार कर सहजरे जोटा कि आमको या पड़बन बहुत गुड़े जिनस रही जोबले मुझे प्राक्टिकाल करी ये जिनस गुड़ाक पूरा क्लीयरली मेनसन करी जमी ये गोटे टेम्पलेट रही देखूँ गोटे हाईस्कल प्रथम हाईस्कल ना लिखापी आउ सहित नेम लिखापी ये समस्त देखिपर थे स्कूल ना कही नेम्र नाम कही नेम लिखापी तो यहाँ गोटे भावनीय गोटे यहाँ गोटे कौन सी प्रकार डॉक्यूमेंट स्कूल रो जो डॉक्यूमेंटा प्रस्तुत ऑलरेडी होकर अच्छे ये जो गच होती ये सब जिनस ऑलरेडी या खाली आम तार नेम जगार खाली आम एडिट करवा टे जोटा कि आम सुंदर लगे ता नाटा आमर पूरा से रही जोटा कि आमको सुंदर लगे आमको लगे कि आम ही करापी मागणा टेम्पलेट पाइबापी बहुत गुड़े साइट रही समस्त देखिपर थी साइट सब रही ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉम टेम्पलेट एंड द पेपर माइलस्टोन डॉट कॉम ये मध्य परीक्षा आसूची से गोटे फ्री वेबसाइट रो नाम लेख बा फ्री वेबसाइट टेम्पलेट पाइबापी गोटे वेबसाइट रो नाम लेख तो पिला माने यही ना गुड़ाक
टिके नोट कर रखिबो www.milestone.com ये सहज अछि www.thepapermilestone.com एंड docstock.com एमती बहुत गुड़े रही जोटा कि फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करते तो से आम फ्री टेम्पलेट पाई आम कम कर आग को आम जा आग को अच्छे आमर पेज सेक्शन ब्रेक मुझे रखुचे जो पेज सेक्शन ब्रेक अच्छी यार काम हो कौन ना मनेकर आम कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर डॉक्यूमेंटा आम लिखिंट भाविना गोटे पेज रे बहुत गुड़े कंटेंट रही से कंटेंटा को आम अधारू चाहते एटा गोटे पेज रे प्रिंट हम एटा अनदर पेज रे प्रिंट हम तो गोटे डॉक्यूमेंट को गोटे पेज रे डॉक्यूमेंट को जदि आम दुटा पेज रे देखा चाहते तेल आमको डॉक्यूमेंट को एडिट न करी आमको डायरेक्टली आम पेज ब्रेक रे पेज सेक्शन ब्रेक रे जदि आम व्यवहार करते आमर एटा इजी हम आहजे आमर ता दुई गोटी पेज रे परिणत होमको कौन से प्रकार एडिट कर पड़े जमी समस्त डॉक्यूमेंट जो वर्ड रे प्रस्तुत ताको तल को नेले ही जिते गोटे पेज रे एंड को पोजिशन पड़ जाए से आउ गए नूतन पेज तैयारी कर दिए आमको अलग किसी कर ओनली पेज ब्रेक रे व्यवहार करा पेज ब्रेक व्यवहार कले आमर ऑटोमेटिकली से पेजटा दिभाग हो जोटा कि फर्स्ट वन ऊपरटा रहा आगे फर्स्ट पेज आ तलटा सेकंड पेज तो पेज ब्रेक रो व्यवहार हो तो मुझे आशा कर समस्त पेज ब्रेक बुझी जाइए आउ ये एक्चुअली पेज आम जो प्रिंटिंग कर प्रिंटिंग सेक्शन दरकार प्रिंटिंग सेक्शन में कौटू के बाट रे गोटे पेज रे प्रिंट हम कौटू के रे द्वितीय पेज प्रिंट हम तो से जो जिनस गुड़क आम यही पेज ब्रेक सेक्शन व्यवहार करके आम व्यवहार करके प्रिंट कर किसी ना ये जिनसटी एत रही आसला क्यारेक्टर फर्माट क्यारेक्टर फर्माट जमती मुझे कि गोटे आम जी देखा माने आमर लेखा लेखार शैलीटा जब आम चेज कर चाहते विभिन्न प्रकार रही फॉन्ट फेस रही फॉन्ट साइज रही ग्रो फॉन्ट स्क्रीज फॉन्ट ये सब जो गुड़ा रही जो आइकन टी समस्त टी खाली नजर पकातु ये जिनसा आप लुक अच्छे ये जिनसा रही जिनस कौन रही ना ये विभिन्न प्रकार फॉर्मेटिंग रही जोटा कि आमर कौन सी लेखा को परिवर्तन करने लेखार स्टाइलटा चेंज करने लेखार साइज बढ़ावापी आउटा कौन फॉन्ट साइज कौन सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो व्यवहार आम करोटी ना आमर लेखार जो सबस्क्रिप्ट व्यवहार करवहार करहब एमती बहुत गुड़े जिनस अच्छी ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पे बुझीप दिस वन इज द सबस्क्रिप्ट दिस वन जो एक्स टू लिखा है एक्स टू जो लिखाई से एक्स टूटा होटा हूँ सबस्क्रिप्ट यहाँ हूँ सुपरस्क्रिप्ट जिते आम गोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर समस्त एक्स स्क्वायर से जो जिनटा लिखुं से सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जा सहित आमर बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ये तो सब जान सहित गोटे देखिपार समस्ते गोटे कैपिटल ए लिखाई आउ गोटे कैपिटल ए पाखे गोटे स्मॉल ए लिखाई समस्त को यहाँ निहाती दर्शन हो देखिपार यहाँ हूँ कौन ना कहते चेंज केस केस चेंज जो आम कौन सी लेखा रखिंट जदि भावन गोटे पेज रेखा को आम कैपिटल कर चाहते बट आम कौन कैपिटल आम ऑलरेडी लोअर केस लिखिदे ऑलरेडी छोट अक्षर लिखिदेन जितेबाला आम से चेंज कराक चाहिए जे आम चाहते से पूरा लेखाटा गोटे पेज रेखा को कि शहेटा पेज रेखा को आम कैपिटल रखापे से समय आम कौन करवा ना जो ए जो रही है चेंज केस जो आमर से केस को आम जो क्लिक करवा ड्रॉप डाउन आसो जो थे बहुत गुड़े आमर रही सेंटेंस केस अपर लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज विथ ईच वर्ड टॉगल केस ये सब जो रही
ए आसीबो सेतुरा आमे अपर केस को जते आमे चूज करबा सिलेक्ट करके लेखा को सिलेक्ट करके आमे तले अपर केस चूज करबा देन कोन होइ जबा आमे लेखाटी पूरा जदि 100 टी पेज थियो मते गोटे क्षणक मधे सब कैपिटलाइज होइ जबा सेम आमे लोअर केस रे जदि व्यवहार करबा आमर अपर केस रे लेखाटा बा कैपिटल लेखाटा छोट होइ जबा सेमती सेंटेंस केस तो समझ जान फास्ट कैपिटल रहा देन सब जगह कौन रहा तार नॉर्मल जमीर सिंपल छोट अक्षर रहा सेम रमी रहा कैपिटलाइज कैपिटलाइज इज वर्ड प्रत्येक वर्ड फर्स्ट लेटर टाक जब कैपिटलाइज कराया चाहिए तेल कैपिटलाइज व्यवहार करवा सेमती रहा टोगल केस टोगल केस कौन ना आमर जो कौन सी लेखा को आम ये समस्ते टी खाली देखीदि ड्रपडाउन सूची यही ऑप्शन टी चयन करने सिलेक्ट होता लेखार समस्त छोट अक्षर बड़ और बड़ अक्षर छोट बदली जाते टोगल केस कौन हम जदि आम लेखार किसी छोट अक्षर रखिंट आम डॉक्यूमेंट रे गोटे पेज जब किसी डॉक्यूमेंट रखिंट ताल से डॉक्यूमेंट लेखाटा कौन हम ना छोटे थी बड़ हो बड़ थे छोट हो तो यहाँ हूँ आमर रही मेनली आस फॉन्ट कलर मैं देपर यटा को चेंज केसिंग कहते जोटा कि चेंज केस मध्यम आम कौन करा आम डॉक्यूमेंट को कौन कैपिटल रु स्मॉल कर पार्टी स्मॉल रु कैपिटल कर तो मु आशा कर समस्ते ये बाट बुझीपार थर आसला ग्राफिकल ऑब्जेक्ट और चित्र सन्निवेश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट और चित्र सन्निवेश मीन्स व्हाट आमर ग्राफिकल आम जो कि गोटे जिनस आम भावनी गोटे बहुत सारा फोटो रखिंट जो फोटो को केते गुड़े फोटो को आम वर्ड डॉक्यूमेंट रे आने की डिजाइन करके सुंदर भाव सजाइप जो चाहूँ व्यवहार कराया चाहूँ तमको फोटोर सन्निवेश पड़ो सेटा आमको कौटि जा पड़ो ना इनसर्ट को जाई सेठारे आमे कौन करी परिबा ना इनसर्ट को जाई कि आमे जदि सेठी फोटो ऊपर क्लिक करिबा देन कौन हबो ना आमर डॉक्यूमेंट को से फोटो आनिबा पई बा ब्राउज करिया पई ओटा ऑप्शन आसीबो से ब्राउज कर सेला पोरे आमर निजर लोकेशन को जाई बा ब्राउज ऑप्शन को चूज आमे क्लिक करिबा आमको से कंप्यूटर लोकेशन रो से आमको कौन करिबो ना फोटो टी को आनिबो आने की आम कंप्यूटर में पहुँचे जहाद्वारा कि आम यू कह चित्र सन्निवेश तो चित्र सन्निवेश आमर हो गला चित्र सन्निवेश कर सारे आम आसला गोटे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे बुझीपार ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हूँ कौन ना जदि आम किसी क्लिप आर्ट जमी गोटे एनिमेटेड पिक्चर कि गोटे जोटा कौन विभिन्न प्रकार साउंड थिबा पिक्चर जोटा कौन से टाइप रि किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो किसी व्यवहार करें डॉक्यूमेंट रे ताले आमको मध्यम सही सेम इनसर्ट रे आमे जाई से क्लिप आर्ट को मध्यम क्लिक कले आमको विभिन्न प्रकार सेप मिल जाव जोटा कि आमे प्रस्तुत करिपरिबा आउ एठी वेबसाइट मध्य किछि रहिछि जो वेबसाइट रो व्यवहार करके मध्य आमे निजर क्लिप मागणा क्लिप आर्ट मध्य ऑलरेडी प्रस्तुत हेथिया क्लिप आर्ट मध्य आमे आनी परिबा इंटरनेट रो आनी कि आमे हमरो डॉक्यूमेंट रे व्यवहार करिपरिबा तो ए मध्य परीक्षा रे आसुछि जे मागणा क्लिप आर्ट व्यवहार करथुबा वेबसाइट रो नाम लिखिया पे तो पिला माने एटा को मध्य नोट करनियो आकु खाता रे मध्य लेखि लियो जे एटा मागणा क्लिप आर्ट जो क्लिप आर्ट मध्यम आम कौन करा आम विभिन्न प्रकार क्लिप आर्ट को डाउनलोड कर डॉक्यूमेंट आम व्यवहार कर पार्टी तो मुझे आशा कर चित्र सन्निवेश ऑब्जेक्ट सन्निवेश व्यवहार कर पार एटी क्लिप आर्टर केत नमूना रही जपरिकी लोगो विभिन्न प्रकार लोगो या व्यवहार करके क्लिप आर्टर व्यवहार करपरिया आउ ये कि रही ऑब्जेक्ट जो टाइप देख ये सुंदर देखा स्कूल बैग सर्चिंग है स्कूल बैग गुड़ा के सुंदर देखा व्यवहार करपर क्लिप आर्ट मध्यम तापर आसला लेखार रैपिंग पे यहाँ तो नुआ समस्त मुझे रखुच्छी लेखार रैपिंग मीनस व्हाट जितेबाला आम कि कंटेन्ट लिखुंत किसी फोटो रखुंत बेल बेल कौन हो आम फोटो सहित लेखाटा चढ़ी जा मैंने डॉक्यूमेंट रे मुटा जो प्रैक्टिकली प्रोवाइड करी खाली यहाँ मन रखापी मुझे बर्तमान कहे लेखा रैपिंग मीनस आमको जितेबले गोटे डॉक्यूमेंट रे किसी लेखा सहित किसी फोटो रो व्यवहार करा जीवो से समय रे
ଆମର ଲେଖାର ରାପିଂଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଫଟୋ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଲେଖାଟାକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି ଫଟୋ ସହିତ, ମୁଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିକ୍ଚର୍ ସହିତ ଲେଖା ରହିଛି, ଲେଖା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ପିକ୍ଚର୍ ସହିତ, ଲେଖା ରହିଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ରହିଛି ଉପରେ, ଫଟୋ ରହିଛି ତଳେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖା ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହିଛି ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ରାପିଂର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯଦି ରାପିଂର ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ ଏଠି ରାପିଂର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଦେଖ, ଲେଖାଟା ଉପରେ ବି ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଫଟୋ ତଳେ ଲେଖା ରହିଯାଇଛି କି? ଲେଖା ରହିନାହିଁ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚାହିଁକି ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିପାରିବା, ସେହି ସାର୍ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଫଟୋଟାକୁ ନେଇଯିବା, ଲେଖା ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଆମର ରାପିଂର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଲେଖାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲେଖାର ଫଟୋ ସହିତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ବା ଆମର ଗ୍ରାଫିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ଲେଖାର ରାପିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଲେଖା ରହିଛି, ଏଇଠି ଲେଖାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖାର ରାପିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଆମକୁ ଫଟୋ ବା କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଲେଖାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖାର ରାପିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କହିରଖିବି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆମେ ଲେଖାର ରାପିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ତା'ର କେତେଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ, ରାପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ହଁ, ରାପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ରାପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆମକୁ ସ୍କୋୟାର, ଟାଇଟ୍, ଥ୍ରୁ, ଟପ୍ ବଟନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା, ସ୍କୋୟାର ଆମ ଲେଖାଟା ସ୍କୋୟାର ହିସାବରେ, ମାନେ ଫଟୋ ରହିବ, ଫଟୋ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ଲେଖାଟା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେହିଭଳି ଟାଇଟ୍, ଥ୍ରୁ, ଟପ୍ ଆଟ୍ ବଟମ୍, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଯଦି ଆମେ ଫଟୋଟାକୁ ରଖିବା ତା ତଳେ କିଛି ଲେଖା ରହିବ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏଠି, ମାନେ ଫଟୋଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଥିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାପିଂ ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ଫଟୋଟାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଡ୍ରାଗ୍ କଲେ ସେଟା ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ରାପିଂର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଫଟୋ ପାଖରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଠି ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଫଟୋ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଠି ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଠି ନିହାତି ରାପିଂର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଲେଖା ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ସନ୍ନିବେଶ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରାଇପାରିବା, ହେଲା କି? ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ 10କୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟ ସନ୍ନିବେଶ ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିତ୍ର ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସନ୍ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଫାଇଲ୍, ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲେଖା ରଖୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ବା ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ୟୁଜର୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲା କ୍ଷଣି ଆମେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ ଅନଦର ପେଜ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମେ ରଖିଥିବା ଜାଗାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ସେ ୟୁଜର୍ ସେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମଧ୍ୟ, ସେ ସେଇ ସନ୍ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ପେଜ୍ ବା ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଦେଖୁ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା କ୍ଷଣି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କଟା ଆମେ ବା ସନ୍ନିବେଶ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଟେ ମଧ୍ୟ ସେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତ ଏଠି ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଇବି, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଇବି। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆକାର ପ୍ରତି